नमस्कार। आज मैं स्वास्थ्य को केंद्रित करके, ताकि स्वास्थ्य किससे अच्छा रहेगा, तो हम लोगों को एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से मन की शांति होती है, फिजिकल फिटनेस होता है, मानसिक शांति मिलती है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा ही। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो आइए हम सब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब हम एक्सरसाइज आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले ये भ्रामरी है। भ्रामरी करने से मस्तिष्क का, नस का, नर्व का संचार, ब्लड का संचालन सही होता है। तो इसके करने का नियम यही है कि दोनों अंगूठे से कान बंद करेंगे, आँख भी बंद करेंगे, और यह जो एक कपाल पर रखे, उसके बाद ये तीनों फिंगर से ये आँख बंद कर लिए और अंदर से ओम की आवाज़ निकालेंगे। ऐसे इसे कम से कम 2 मिनट करना चाहिए। तो मैं अभी जस्ट इसका नियम ही बता रही हूँ। यह कम से कम 5 बार तो जरूर करना चाहिए। अंदर में ही ओम की आवाज़ निकालना है और जोर से निकालना है, ताकि पूरा नर्व का, पूरे सारे शरीर में जो है, यह एक कंपन उपस्थित होती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अब हम लोग इसको 5 बार कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज करना है, यह कान है। कान में 3 बार इसको कम से कम टाने। पहले यह जो नीचे वाला हिस्सा है, 1, 2, ऊपरी हिस्सा 3, उसके बाद उंगली से पंपिंग करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर दोबारा इसी तरह से नीचे टाने, मिडिल को टाने और ऊपर की ओर, जस्ट सावधानी से। इससे क्या होता है कि कान का किसी भी तरह का जो समस्या है, कान खुजला रहा है, तो मोटा मोटे रूप से साधारणता देखा जाता है कि ठीक हो जाता है। अब हम लोग गले का एक्सरसाइज करेंगे। मैं जस्ट उदाहरण के स्वरूप कुछ कुछ एकदम जरा सा सामान्य प्रस्तुत कर रही हूँ। इसको आप कम से कम 10-10 काउंटिंग कर ही सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह 10 बार। फिर बैंड कर, माथा को पीछे कर लेना है और इसी तरह से दोनों तरफ माथा को झुकाना है गिनती के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसलिए पीछे मुड़ना पड़ा कि मैं माथा किस तरह झुकाई हूँ इसको देखने के, खिलाने के लिए। अब हम लोग टर्निंग राउंड करेंगे, वही काउंटिंग के साथ। सांस लेना और छोड़ना सामान्य है। 1
दो तीन चार पांच, अपोजिट साइड एक दो तीन चार पांच। अब स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है या माथा में सर में दर्द हो रहा है, इसके लिए क्या करना है? ये मतलब हाथ से प्रेशर देना है माथा को, माथा एकदम स्ट्रेट, एकदम शरीर पूरा सीधा, और प्रेशर देना है हाथ से पीछे की ओर, और माथा को एकदम सामान्य स्टिक रखना है ताकि माथा झुके नहीं, कंपन अनुभव होता है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, बैक साइड में एक दो तीन चार पाँच, इसी तरह से कम 3 टाइम्स। दूसरा बार फिर से कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हाथ में पेन होता है, पीछे यहाँ पेन और दर्द हो रहा है, हाथ पीछे क्यों नहीं जा रहा है, तो इसके लिए भी हाथ का मूवमेंट जरूरी है, तो इसको भी करना है। इसको क्या करना है, ये दोनों हाथ को स्थिर कंधे के ऊपर रखे और फिर इसको घुमाना है, कोशिश करना है कि सामने की ओर ये कोहनी कोहनी मिल जाए। स्टार्ट, 1 2 3 4 5, अपोजिट 1 2 3 4 5। अब कमर की में जस्ट आराम से ऐसे हाथ ऐसे जस्ट हल्का सा रखना है और ठीक इसी तरह से कंधे को घुमाना है, 3 4 5। पैर में थोड़ा सा फांक कर लेना है और यह जो हाथ है इस पोजीशन में जाएगा, इससे क्या होता है, और अंगूठे की ओर नजर रहेगी, इससे क्या होता है कि आपका हाथ मूवमेंट शरीर मूवमेंट करेगा। रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5, इसको भी इसी तरह से 10 टाइम्स कर लेना है। नेक्स्ट, ये दोनों हाथ थोड़ा सा पैर में फाक रहेगा, ठीक एक एक में यहाँ, दो साइड, तीन एकदम बैक साइड, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर नॉर्मल। जो पीछे की ओर करते हैं उसको ऐसे करने के बाद ऐसे ये बैक साइड रखना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हाथ का हुआ। अब इसके बाद दोनों पैर थोड़ा फांक करेंगे और इस अंगूठे को ऐसे ऊपर की ओर ले जाएंगे, नजर ऊपर अंगूठे की ओर रहेगी और दूसरा हाथ ऐसे सीधा रहेगा और शरीर ऐसे बेंड करेगा। रेडी, 1 2 3 4 5, इसको भी 10 टाइम्स ऐसे ही करना है। 1 2 3 4 5, कमर में हाथ रखे और हाथ रखने के बाद ये जो पैर है इसको ये करें और फिर कमर को घुमाना है ऐसे करके, टर्निंग अराउंड ऐसे करना है, ताकि
ताकि कमर वाली जो चर्बी है, कमर में दर्द हो रहा है, ये सब ठीक हो जाता है। तो इसमें सावधानी से ही करना है, 5 times इधर घुमाएं और फिर 5 times इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद पीछे की ओर झुकना है, थोड़ा सा पैर फांक रहेगा, बेंड करना है पीछे की ओर। कैसे? पहले सामने, जितना हम सामने की ओर झुकेंगे, बैक साइड में भी यह जो कमर की ओर फांस रहेगा यहाँ, इससे क्या होता है कि पूरा कमर को सपोर्ट मिलता है। इस तरह से करना है, प्रत्येक फिगर 10 बार जरूर करना है, 10 या 20 बार करें। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पैर थोड़ा सा फांक रहेगा और कमर इस तरह से ही पकड़ लेंगे और कमर को ही इस तरह से 1 times इधर, 1 times इधर घुमाना होगा। रेडी? स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नेक्स्ट, यह भी उसी तरह का ही है, लेकिन इसमें क्या करना है आपको कि यह हाथ ऐसे पीछे की ओर ऐसे रहेगा और ये हाथ ऐसे रहेगा, एंड की ओर देखना होगा। एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हम लोगों का चर्बी जम जाता है या पेट में चर्बी जमा हुआ है, तो ये सभी जो है ये धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, शरीर को तो एक्टिव रखना ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या करना है, पैर को एक पैर आगे बढ़ाएंगे और हाथ को इस तरह से, क्योंकि सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथ और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे सांस लेते हुए और फिर सांस नीचे छोड़ते हुए। और पैर जो है हमारा, पैर का मूवमेंट क्या होगा, एक पैर सामने की ओर रहेगा और दूसरा पैर एड़ी उठा हुआ रहेगा, पूरा वजन सामने वाले पैर में है। इससे क्या होगा कि अब हमारा जो सांस जो है यह सही रहता है, किसी भी तरह की सांस की समस्या नहीं आएगी फ्यूचर में भी। रेडी? स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए ऊपर हाथ और सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे लंबी सांस खींचनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट, ये जो हम लोगों का घुटने दर्द कर रहा है या पैर का पोजीशन दर्द कर, साइटिका पेन हो रहा है, ये सभी के लिए करना क्या है, बस पहले वैसे ही कमर को सपोर्ट दे देना है और फिर सामने की ओर झुकना है और पीछे की ओर झुकना है। थोड़ा सा फास्ट रहता है इसमें ताकि यहाँ पर थोड़ा सा टांग पड़ता है। रेडी? स्टार्ट। पैर पैर फंक रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैर घुटने दोनों मिला करके, दोनों घुटने एकदम मिला लेना है और मिलाने के बाद झुकना है सीधा, एकदम सीधा झुकना है, यह जो घुटनी है ये नहीं बेंड होगा। रेडी? स्टार्ट। 1, पहले इस तरह से 5 times करना है, उसके बाद फिर
इसमें वजन नहीं रहता है, जस्ट झुकना है, पूरा वजन पैर में ही है। 1 2 3 4 5 1 बाहर की तरफ, 2 3 4 घुमाना है पैर को, देखिए ऐसे करके, और फिर अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 और साइटिका पेन होने से जो कमर से लेकर के पूरा यहाँ तक नष्ट ना जाता है, तो इसके लिए भी यह एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या करना है कि पैर एक आगे बढ़ाएंगे, दूसरा पैर एकदम पीछे रहेगा, पहला सामने पैर की ओर वजन देंगे, पीछे वाला जो पैर है उसकी भी घुटने नहीं टूटेगी, और जीभ ऐसे बाहर निकाल करके एक आवाज़ करना है, सिंह नाद। देखिए कैसे कर रहे हैं, पहले सामने की ओर भी करेंगे, पीछे की ओर भी। यह साइटिका पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे करने से सिर्फ पैर में जो दर्द हो रहा है ना नस में, वो भी समस्या दूर हो जाती है। इतना करने के बाद नॉर्मल मुंह से आवाज करते हुए या दोनों हाथ ऊपर के पूरा इस तरह से झुकाएंगे और पूरा पैर से पूरे अंगों को टच करते हुए ऊपर की ओर करेंगे और आवाज निकालेंगे। हो यह दोनों हाथ एकदम लाल हो जाता है, तो चाहे तो इसको फिर इस तरह से थोड़ा सा रखड़ लें, यह भी अच्छा है। उसके बाद कपाल भाती, यह जो हम लोगों का पेट पेट के लिए, पेट की चर्बी को कम करना, पेट को नीचे करना है, तो कोई भी एक्सरसाइज करेंगे कोशिश करेंगे कि पेट अंदर की ओर खींचे रहा है, ठीक है। कपाल भाती जो स्वामी रामदेव जी का भी बनाया, मैंने बहुत पहले स्टार्ट किए, बहुत ही अच्छा लगा, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें क्या है कि सांस लेने की ओर ध्यान देना है, छोड़ने की ओर कोई ध्यान नहीं देना है। सांस लेते हुए पेट अंदर की ओर बस सीधा खड़े रहना है, सांस अपने आप ही लिया जाता है और जस्ट छोड़ रहे हैं तो उसमें एक आवाज हो रही है, जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर चली जाएगी। देखिए अपने आप लेने वाला काम हो जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, छोड़ने की ओर ध्यान देना है। इसको कुछ नहीं तो 100 बार तो जरूर करना है, तो 100 टाइम्स करने के लिए काउंटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी चालीसा कुछ याद है तो उसको मन मन उसको पढ़ते रहना है, बस चालीसा संपूर्ण हुआ और कपालभाति भी खत्म हो गया, क्योंकि घड़ी तो देखेंगे नहीं, काउंटिंग नहीं करेंगे। मुख्य ध्यान जो रहता है सांस छोड़ के नोक की ओर रहेगा और पेट में मूवमेंट होता है। जितना कर पाए
करना है। अब नेक्स्ट अनुलोम विलोम जो है, यह माथा में दर्द हो रहा है या वोमिटिंग टेंडेंसी है, कुछ भी हो रहा है, तो सर्दी जमा हुआ है, नाक में प्रॉब्लम हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, ये सब के लिए अनुलोम विलोम एकदम रामबाण है। तो इसके लिए कोई भी मुद्रा में फिंगर में हम अपना साइड एक हाथ रखें, और चाहे बैठने के स्थान है तो बैठ कर करिए। तो खड़े होकर और बैठ कर मैं दोनों ही करूँगी। तो खड़े होकर यदि करना है तो क्या करना है, लेकिन ओपन प्लेस में करना है। जो भी एक्सरसाइज करिए, कभी भी करिए, कमरे में कर रहे हैं तो पूरी खिड़की दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग करिए, जितना अर्ली मॉर्निंग करिएगा शरीर उतना ही स्वस्थ रहता है। हम लेडीज़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठे तो सबसे पहले एक्सरसाइज कर ले। तो अनुलोम विलोम पहले क्या करना है, ये दाहिने नाक से ही सांस खींचनी है, एक नाक से 5 बार ऐसे एक बार सांस खींचे, कुछ देर के लिए होल्ड किए और फिर बाएं तरफ से निकाले, ऐसा 5 बार करते हैं। इसको सूर्य जो है, ठीक है, रेड है। इस तरह 5 टाइम्स लंबी सांस खींचेंगे, कुछ क्षण के लिए होल्ड करेंगे और फिर बाएं नाक से छोड़ देंगे। 5 टाइम्स सिर्फ एक नाक से ही निकालना है, दाहिने नाक से लेना है, बाएं से छोड़ना है, 5 टाइम्स। उसके बाद बाएं से लेना है और दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। जैसे बाएं से लिए, कुछ क्षण के लिए होल्ड किए, दाहिने से छोड़े हैं, फिर दाहिने से लेंगे, कुछ देर के लिए रोकेंगे, कुछ क्षण के लिए फिर बाएं से छोड़ देंगे। इसको भी 3 मिनट करना है, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपकी इच्छा हो करिए। इसको बैठ के जल्दी करना है तो ठीक इसी तरह से बैठ जाइए आराम से, एकदम सीधा स्पाइनल जो है, ये स्पाइनल कार्ड एकदम सही होना, सीधी होनी चाहिए, और कोई किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए, किसी भी मुद्रा। और बैठने के बाद फर्स्ट वही नियम वही है कि 5 टाइम्स दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, थोड़ा देर रोके, छोड़े, फिर दाहिने से लिए, रोके, छोड़े, बाएं से लेंगे, थोड़ा सा कुछ क्षण के लिए रोकेंगे, फिर दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। ऐसा क्रम 2 से 3 मिनट करना है, 2 मिनट तो जरूर, उसके थोड़ा सा बेसी भी कर सकते हैं आप, जितनी इच्छा हो, जितना टाइम आपके पास है, लेकिन अपने आप में एकदम शांत वातावरण, अपने आप में मस्तिष्क भी शांत होना चाहिए। इस तरह से करना है, और अब जॉगिंग थोड़ा सा लास्ट कर लेना है। जॉगिंग करने से क्या होता है कि पूरे ब्लड का सर्कुलेशन एकदम सही हो जाएगा, शरीर अर्ली मॉर्निंग काफी एनर्जी मिलेगी। रेडी, जॉगिंग का नियम क्या है कि आप यह जो पंजा वाला हिस्सा है, पंजा वाला पंजा में ही जॉगिंग किया जाता है, स्कीपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेस नहीं है, तो क्या करेंगे, तो बस ऐसे ही खड़े खड़े कर लेंगे। चाहे तो 30 टाइम्स या 50 टाइम्स ऐसे किए, करने के बाद हाथ को सामने ऐसे बगल में साइड में की, एकदम बदन ढीला है, पैर में ही हो रहा है,
थोड़े देर तक इसको 15 बार 50 टाइम्स, फिर दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों हाथ ऊपर, रोलिंग रोलिंग करते वक्त सामने में दोनों हाथ मिलाएंगे 10 टाइम्स इसको करेंगे, फिर 10 टाइम्स ऑपोजिट, कमर में ऐसी तरह से सपोर्ट देकर फिर करना है। यदि कमर में दर्द नहीं है, नो प्रॉब्लम, तो फिर साइड पकड़ेंगे, जब हाथ नहीं लगे या 2 मिनट हो गया है या 50 टाइम्स हो गया है तो स्टॉप कर देना। इस तरह से कुछ एक्सरसाइज नित्य करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओम का और एक है, दोनों हाथ सामने करके काउंटिंग करके ऊपर हाथ उठाना है, फिर इधर साइड में लाना है, फिर ऐसे ऊपर करना है, और फिर ओम की ध्वनि के साथ, ओ का ध्वनि के साथ धीरे धीरे हाथ यहाँ तक, और माँ का ध्वनि के साथ एकदम नीचे, जितना लंबी सांस ले पाए। रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और लंबी सांस खींचनी है, और ओम का उच्चारण करते हो, ओम का उच्चारण करते हो, हाथ नीचे, कर सकती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।